अस्सलाम वालेकुम आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे दिनों का मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, 2019 का इलेक्शन बड़ा नज़दीक आ चुका है। 11 अप्रैल से शुरू होगा, 7 चरणों में ये इलेक्शन शुरू होगा। बीजेपी, कांग्रेस, सभी रीजनल पार्टियां जो हैं अपनी कमर कस चुकी हैं और लगातार कैंपेनिंग में लगी हुई हैं। मोदी जी भी अब कैंपेनिंग मोड में आ चुके हैं, लगातार महाराष्ट्र से शुरुआत करके बिहार भी आए थे और देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाकर वो फिर से इलेक्शन की तैयारी वैसे ही करेंगे जिस प्रकार से हम लोग 2014 के इलेक्शन में देखा करते थे, उनके भाषण को, उनके बातों को, उनके जुमले को। चूंकि आपको पता है कि ये इलेक्शन जो है बड़ा ही क्रूशियल इलेक्शन होता जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि इस देश के अंदर में जो हमारे गांधी परिवार के जो कांग्रेस के लीडर हैं, जिसमें सब के सब परिवार के लोग जुड़ चुके हैं इलेक्शन में, और इधर बीजेपी के साथ साथ इनके जितने भी संघ परिवार और जितने भी लोग हैं वो लोग भी भिड़ चुके हैं इलेक्शन की इस तैयारी में। अब बात हम करते हैं कुछ वादों की, जो वादे लगातार पॉलिटिकल पार्टियां करती आई थी उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। पहले बात करेंगे जिसकी सरकार थी 2014 में। आपको भी याद होगा कि मोदी सरकार जब आते थे और कहीं पे इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करते थे तो वो लगातार ये कहते थे कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, बलात्कार के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, बॉर्डर के लिए, जवानों के लिए और जितने भी उस तरह की समस्याएं हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड थे, जो लघु उद्योग से रिलेटेड थे, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बड़ी ही स्पेशल एक हम प्लान करेंगे और पूरे देश में एक बेहतरीन सा माहौल बनाएंगे जिससे हमारे देश में विदेशी जो है आके इन्वेस्ट कर सके और देश में तरक्की ला सके, उस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद से फिर से जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है कांग्रेस का 2019 के इलेक्शन के लिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले किसी भाई लोगों का कमेंट आ रहा है, आप लोगों को आदाब नमस्कार, वालेकुम सलाम तनवीर भाई, अब्दुल रहमान क्या हाल चाल, सिवान वाले किसको, अब तो कोई जनता किसको वोट देगी वो कोई बता तो नहीं सकता ना। बस इतना कर सकते हैं कि लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे आप देख लो रोजगार के बारे में बात हुई थी बीजेपी की 2014 में। वो इलेक्शन में वो कहते थे कि 2 करोड़ वो रोजगार दिया करेंगे, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़िए, मतलब आप हर साल अगर 20 लाख, 10 लाख, 50 लाख भी अगर दे दिए होते तो मेरे ख्याल से देश के अंदर में बेरोजगारी नाम की चीज नहीं होती। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सरकारी जितने भी संस्था हैं जहां पर अभी भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो खाली हैं, वहां पे लगभग 22 लाख पोस्ट हैं जो खाली हैं। और इसी पॉइंट को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है 2020 तक वो जितने भी खाली पद हैं सरकारी 22 लाख के करीब, उसको पहले पूर्ति किया जाएगा। ये बड़ा ही एक अजीब सा मामला है कि जो सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही थी बीजेपी, वो इन 22 लाख पोस्ट को भर नहीं सकी। ये बात बड़ा ही गंभीर है। दूसरी बात अगर हम बात कर लें, अनिल कश्यप भाई आई एम गुड थैंक यू हाउ आर यू, दूसरी बात अगर हम कर लें किसानों की, तो किसानों के आप लगातार देख रहे होंगे पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश से आपने देखा होगा कि किसान के जो जुलूस निकले थे, आपने देखा होगा तमिलनाडु से लगातार जिस प्रकार से किसान आकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इवन कि वो लोग अपने पेशाब तक पीने को मजबूर हो गए थे, और वहां मैं खुद मौजूद था उस जंतर मंतर पे, आप लोगों को अगर याद हो तो। तीसरे पॉइंट आपने देखा होगा मुंबई में कई बार किसानों ने बड़ी से बड़ी रैलियां निकाली अपने मांग को लेकर, क्योंकि सरकार ने वादा किया था MSP पर 50% ज्यादा इन लोगों को बढ़ाकर बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई खेती होती है किसी अनाज की, तो उसका अगर लागत 100 रुपये आता है तो उसको कम से कम 150 रुपये का वापस मिलना चाहिए था, इस प्रकार से कैलकुलेशन। लेकिन ये चीज़ें हुई, थोड़ी बहुत हुई, सिर्फ कुछ चुनिंदे फसल पर। तो किसान जो हमारा देश प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर 65% के करीब जो हमारे किसान भाई कृषि पे मौजूद निर्भर करते हैं, वहाँ पर अगर हम उनको लॉलीपॉप देकर सोचेंगे शासन कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये देश जो है इतनी गरीबी के कगार पर है, इतने परेशानियों के कगार पे है हमारे खासकर किसान भाई, कि वो लोग किसी चीज को, वादे को भले मान लेते हैं, भले चुन लेते हैं, लेकिन उनका जो नुकसान होता है वो पर डे के हिसाब से होता है। आप सोचो कि एक खेती करने जाता है किसान, उसको हर दिन उसको जोतता है, उसको अपने अनाज डालता है, फिर उसमें कीटनाशक डालता है, फिर उसको देखभाल करता है, फिर उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद से अगर वो फसल खराब हो जाता है तो एंड ऑफ द डे उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है। फिर वो लोन पे लोन लेता है, लोन पे लोन लेता है, लोन माफ करने की बात किया था
बीजेपी सरकार ने, लेकिन वो भी नहीं किया। इसी वक्त जब बीच में तीन राज्यों में जब आपका विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से वादा किया था मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में, वहां पर उन लोगों ने उस वादे को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पूरा किया कि हाँ किसानों के कर्ज को हम माफ करेंगे, और किसानों को कर्ज को उन्होंने माफ किया। तीसरी बात आती है बेरोजगारी की, जहां आप देख लेना कि इस देश के अंदर में कई आंकड़े ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि बेरोजगारी और बढ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो दो तरीके की होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके के बिजनेस हमारे देश में है, व्यवस्थित व्यवस्था अव्यवस्थित व्यवस्था, जिसके तहत ये होता है कि वो व्यवस्था जिसमें डेली वेज पे लोग काम करते हैं, जिसका जिस पे ज़्यादातर लोग लगभग 70% लोग उस पे निर्भर करते हैं, उस तरह के बिजनेस पे, छोटे मोटे बिजनेस, गांव के बिजनेस या फिर छोटे मोटे प्लांट या फिर कोई कारखाना में लोग काम करते हैं, इस तरह से लगभग 60-70% लोग हैं जिस पर जो इस तरह के बिजनेस करते हैं। उस तरह के बिजनेस को लगभग नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया था, GST ने उन लोगों के बिजनेस को बर्बाद कर दिया था। इस तरह के कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिसकी वजह से इस तरह के ये सेक्टर जो है इनफॉर्मल सेक्टर है वो ऑलमोस्ट बर्बाद होने के कगार पे आ गया था। आपको याद भी होगा गुजरात सूरत वगैरह में लगातार इसके ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था। तो इस तरह से बेरोजगारी और बढ़ गई हमारे देश के अंदर में, और ये रिकवर होने में ना रियल एस्टेट बर्बाद हो गया, छोटे मोटे लघु उद्योग बर्बाद हो गए, छोटे मोटे कारोबारी बर्बाद हो गए। लोन देने की बात हो रही थी, किसी नौजवान को लोन नहीं मिला, और जब लोन नहीं मिला वो कंपनी बना दिए, फॉर्म बना दिए, तो हर महीने उनको GST का और ना जाने दूसरे दूसरे चीज़ों का टैक्स देना पड़ता है, भले उनकी कमाई हो या ना हो। ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि बॉर्डर पर सुरक्षा की बातें को लेकर, बॉर्डर पर सुरक्षा आप देख लेना कि पिछले 4-5 सालों का अगर आंकड़ा आप देखोगे तो हमारे जो जवानों की शहादत हुई है वो पिछले साल जो पिछले सरकार से कहीं ज़्यादा हुई, और जो उसी कश्मीर घाटी में जो चरमपंथी हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनकी भी तादाद लगभग 73% बढ़ी है। और ये मैं खुद नहीं, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। अब देखो आप, सरकारी आंकड़े की बात अगर आ गई तो वहां पर सरकार इतनी डर चुकी थी आंकड़े बताने से कि इन्होंने खुद से जो पॉलिसी, जो नीति आयोग जिसका नाम अभी रख दिया था, उससे पहले पॉलिसी कमीशन जो हमारा एक संस्था थी जो हमारे देश का जो बनाया करती थी, पॉलिसी बनाती थी, हर नीति पर वो चेक करती थी, फैक्ट्स को देखा करती थी, उसके ऑडिट किया करती थी, उसके रिजल्ट्स को देखा करती थी, उसको बंद कर दिया गया ताकि कोई आंकड़े ना बाहर आए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात अब कर लेते हैं कश्मीर के मैटर को लेकर, जो अभी कांग्रेस जो आई है, आने की प्लानिंग कर रही है 2019 में, उसने ये कहा अपने मैनिफेस्टो में, अपने वादों में, पेपर के जो मैनिफेस्टो होता है जो अपने वादे किए जाते हैं, उसमें इन्होंने कहा कि किसानों को, गरीबों को हम 72,000 रुपये सालाना देंगे। एक मैं कमेंट ले लेता हूँ, जय हिंद तमिल भाषा में लिखे हुए भाई। गांव गांव घूमकर जिस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, शुक्रिया अब्दुल रहमान। धर्मेंद्र कुमार, अरे यार ओके, कितने दिन मूर्ख तो आप बन चुके हो दोस्त, अब दोबारा क्या आपको मूर्ख बनाना है, मूर्खों को है ना। और भक्तों को लगता है कि बहुत फायदा हुआ है, अरे भक्त तो अंधभक्त ही हैं। ओके, रोशन फामरा भाई कहते हैं बेड़ा गर्क करके रख दिया है देश का, और लोगों अभी भी अरे बेवकूफ़ लोग हैं, नुकसान अपना उठा देंगे फिर भी वही करेंगे। तेज बहादुर बनारस से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या बनारस के लोग वाकई देशभक्त? हाँ, अब ये सवाल आएगा सामने, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कितना सैनिकों से प्यार करता है, कौन कितना देशभक्त है, उस पर बात दिखाई दे जाएगी। बनारस से तेज बहादुर उठ रहे हैं, तेज बहादुर वही जो सेना में सेना के खानों को लेकर, मतलब खाना उनको तरीके का नहीं मिलता है हमारे देश के सेना को, वही सेना जिसका नाम ले लेके हमारे देश में राजनीति की जाती है, खासकर बीजेपी करती है, तो वो आप देखते हैं कि वहां से कितने लोगों को वोट मिलते हैं उसको, कहीं ऐसा ना हो इरोम शर्मिला जो थी नॉर्थ ईस्ट वाली, उनके जैसा हालात हो, उनके मुश्किल से 100-150 ही वोट मिले, तो ये भी चीज़ है हमारे देश में। तो अब बात हम लोग करते हैं कश्मीर के मैटर को लेकर। कश्मीर का मैटर आप सबको पता है कि बड़ा ही पुराना है, हालांकि स्पेशली कश्मीर के बात इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दो पॉइंट को लिखा था कि, मतलब दो पॉइंट मैं फोकस कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे मैनिफेस्टो में बातें रहती हैं, लेकिन दो तीन पॉइंट ऐसी हैं जिसके ऊपर आप सब लोगों को अपनी राय बनानी चाहिए। पहली बात ये बेरोजगारी को लेकर इन्होंने कहा कि जो 22 लाख बेरोजगार जो
पद खाली हैं सरकारी संस्थाओं में, वो सरकारी संस्थाओं के 2020 में पूरे के पूरे हम 22 लाख भर्ती कर देंगे, ये ऐसा कांग्रेस का कहना है जो सरकारी, ये 2020 तक, ये भी नहीं कि हम 2 करोड़ देंगे 3 करोड़ देंगे, वो जुमले वाली बात नहीं, जो खाली है ऑफिशियली दिख रहा है कि ये संस्था में जो है वो अच्छा तमिल वाले ने तेलुगु वाले भाई महमूद भाई रफीक भाई, मैं तेलुगु नहीं तमिल नहीं महमूद जी, आपका नाम जो लिखा हुआ ना जिस भाषा में महमूद भाई, वो मैं पढ़ नहीं सकता एक्चुअली, मैं हिंदी भाषी हूँ, तो ये चीज़ है। तो मैं बात कर रहा था कश्मीर के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी पे लेकर, तो बेरोजगारी में ये था कि 22 लाख जो खाली पद है उसको कांग्रेस देने की बात कर रही। एक पॉइंट और भी आया था 72,000 रुपये पर ईयर। अब देखो आप लोग इस पर थोड़ा सा अपना क्लियर कर लीजिए इन्फॉर्मेशन कि 72,000 ऐसे नहीं देने का है कि आपको, आप गरीब हैं, आप 72,000 से ज़्यादा नहीं कमाते हैं तो आपको 72,000 का चेक काटेगी सरकार या आपके अकाउंट में देगी, ऐसा नहीं है। ये एक परिवार की बात हो रही है, एक परिवार की बात हो रही है कि एक परिवार को 72,000 रुपये तब मिलेंगे जब उस परिवार के सब मिलकर अगर उनकी आमदनी 72,000 से कम है और जितना कम है उसको 72,000 तक पहुंचाने के लिए जितनी जरूरत है उतना रुपया दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा, ठीक है। फिर भी जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब किसान है जिसका घर है जिसमें जिसकी आमदनी बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, तो उसको 72,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जिसकी आमदनी मान लीजिए घर वाले को मिलाकर 50,000 रुपये है तो सिर्फ उसको 22,000 मिलेंगे, यानी कि उस 72,000 के स्लैब को टच करना है, समझ गए। अगर मान लीजिए कोई 50,000 कमाता है तो उसको थोड़ा ही सा उठाना है टच करने के लिए, अगर कोई जीरो है तो उसको पूरा उठाना है, और अगर कोई 72,000 से ऊपर है तो उसको कुछ नहीं मिलना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट है। तीसरी बात आई है इसको लेकर, कश्मीर में अफस्पा कानून को हटाने की बात की गई है कांग्रेस के द्वारा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मुझे ये लगता है कि कश्मीर में आप लोगों को याद होगा कि बीच में कितने जबरदस्त तरीके से वहाँ पे हंगामा किया गया था, पायलट गन मारे गए थे, बच्चों के आंखों पे लगे थे, महिलाओं को परेशान किया गया था। ये आप लोगों को इस कानून के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उसका जानकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसके बारे में जो बातें पता है नॉर्मली वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो कानून था, जो इसका मतलब ये होता है आर्म्ड फोर्स को स्पेशल एक तौर तरीके से स्पेशल ताकत दे दिया जाता है कि वो एक्शन ले सकता है अपने आर्म फोर्स को, ठीक है, किसी खास रीजन में, किसी खास जगह पर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं काम कर रहा है, जहां पर हमारे देश की डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं है, जहां पर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं है और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल से बिगड़ चुका हो, उस जगह पर इसको लगाया जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यही सिमिलर जो है कानून जो है वो राज्य सरकार के पास भी होती है, जिसको DAA कहते हैं, डिस्टर्ब्ड आर्म्ड एक्ट। यानी कि अगर मान लीजिए कि बिहार है, बिहार का एक ऐसा इलाका है जहां पर इतनी डिस्टरबेंस हो गई है कि वहां पे कुछ लोगों ने घेर रखा है और कहा कि ये एरिया मेरा है, मैं यहां पे ना कोई कानून मानता हूं ना कुछ, ये हमारा एक छत्र राज है, तब वहां पर क्या करता है राज्य सरकार, वहां पर वो एक्शन लेती है और उस तरह के एरिया के लिए स्पेशल आर्म फोर्स के तर्ज पर जो कानून था, जो राज्य सरकार के पास स्पेशल है, DAA कहते हैं, वो यूज कर सकती है, यानी कि आर्मी उस पर स्पेशल अपना एक्शन ले सकती है, ठीक है। उसके लिए कोई उनको स्पेशल ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो एक से ज्यादा, 5 से ज्यादा लोग अगर एक जगह जमा खड़े मिल गए तो उनको अरेस्ट कर सकती है, किसी घर में घुसकर वो सर्च कर सकती है, ये होता है। अब इसी प्रकार से एक राज्य में अगर मान लीजिए कि ये डिस्टर्बेंस इतना बढ़ गया कि वो समझ नहीं सकते, वो संभाल नहीं सकते, तब वहां पर लगाया जाता है अफस्पा। अफस्पा 1958 में भारत में लगाया गया था, आया था 11 सितंबर 1958 में बिल पारित हुआ था, कानून बड़े जल्दी जल्दी में बन गया था। लेकिन अब देखो, एक दो न्यूज चैनल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक दो चैनल वाले ऐसे हैं जो इस मुद्दे को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि कांग्रेस जो है स्पेशल कुछ रहम दिखा रही है कश्मीर पर, जबकि अभी 2015 में अफस्पा कानून त्रिपुरा से हटाया गया था और साउथ इंडिया के एक दो स्थान से हटाया गया था। उसी प्रकार से आपका 2017 में मेघालय से, 2017 या 16 में मेघालय से हटाया गया था इसी अफस्पा कानून को। और आपको याद होगा इरोम शर्मिला,
इरोम शर्मिला भी इसी कानून के खिलाफ 15 साल तक प्रदर्शन करी थी, जहां पर बहुत सारे महिलाओं के साथ अत्याचार और उनके साथ जो गलत हरकतें हुई थी उसको लेकर वहां पर बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसी के लिए इरोम शर्मिला जो है बैठी हुई थी और खैर आखिरकार वहां से हट गया। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल किया गया था कानून को, जो हमारे सेवन सिस्टर्स स्टेट कहलाते हैं ना, सिक्किम, मणिपुर और इस सब का इलाका, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, आसाम, है ना, जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, जो कश्मीर, जो चाइना से और जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए हैं, जो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश उस समय, जब भारत की आजादी के वक्त तो नहीं था ना, वो बांग्लादेश नहीं था। तो उस समय क्या हुआ था, जब बांग्लादेश वाली लड़ाई हो रही थी तो बहुत सारे मतलब वहां पर घुस के चले आए थे लोग। उससे पहले बोको हराम वगैरह नाम आपने सुना होगा, है ना, उसके बाद से आपने नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे इलाके में उल्फा का नाम सुना होगा आपने, ये जो इंटरनल जो हमारे माओवादी और आतंकवादी थे जो हमारे देश को तोड़ना चाहते थे, उल्फा का नाम आपने जरूर सुना होगा, बोको हराम, बोडो, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये जो इलाके हैं ये जो है वहां के जो लोग थे, जो कुछ जो मतलब भारत विरोधी, जो भारत को तोड़ने वाले लोग थे, वो ये चाहते थे कि ये जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उसको तोड़कर अलग एक कंट्री बना दिया जाए, जो कि भारत कभी होने नहीं दे सकता था, जाहिर सी बात है। तो वहां पर लगाया गया था अफस्पा, ठीक है, उसी प्रकार से पंजाब में भी लगाया गया था, जब पंजाब में आपको याद होगा खालिस्तान मूवमेंट चलाया गया था और खालिस्तान अलग बनाने की मांग की गई थी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी अपने देश के हिस्से में अगर कोई ऐसा समूह खड़ा होता है जो ये कहता है कि हमारे देश के इस हिस्से को अलग करो, हम अपना राज चलाएंगे, हम अपना देश बनाएंगे, तब वहां पर ये कानून लगता है, क्योंकि वो लोग उसको तोड़ने के लिए आपके पुलिस को मारेंगे, आपके आर्मी पे हमला करेंगे और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेंगे, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हमारे देश के लोकतंत्र को नहीं मानेंगे। तो वहां पर उस लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए, एक पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने के लिए वहां पर आर्मी को स्पेशल पावर दिया जाता है, उसी को अफस्पा कहते हैं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। तो अब यहां पर कश्मीर का भी मैटर था, कश्मीर में पहले DAA था, 90s से पहले वहां पर ये मामला था, गड़बड़ था जो होता रहता था हर स्टेट में, जैसे हो रहा था ये सेवन स्टेट के मैंने बताया, उसके बाद से बिल्कुल बोडो ट्राइब वाले जो लोग थे वो लोग चाहते थे हमारा अपना स्टेट बने, ठीक है। इसके बीच कश्मीर का जो मैटर आया, कश्मीर में आपको भी पता है कि 90s के दशक में सबसे ज्यादा हंगामा वहां पे शुरू हुआ, सेपरेटिज्म की बातें शुरू हुई, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस शुरू हुआ, फिर वहां पर आपस में लड़ाई को काफी दिखाया गया, वहां के सिख, वहां के मुस्लिम, वहां के पंजाबी, वहां के पंडित को वहां से निकालने जाने लगा, उस तरह का हंगामा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, जो POK का मामला था और PAK का मामला था। तो इस तरीके के जो मामला थे उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे अफस्पा लगाया गया था, ताकि वहां के लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखा जाए, ठीक है, ताकि वहां के लॉ एंड ऑर्डर को जो है कंट्रोल में रखा जा सके। अब इस कानून से आपको भी पता है कि उस आर्मी को, जो भी आर्मी वहां पर होगी, ये इस कानून के तहत जो है वहां पर अपना काम करती है, उसको किसी भी तरीके के परमिशन की जरूरत नहीं है, कोर्ट से नोटिस की जरूरत नहीं है किसी से, वो कहीं भी चाहेंगे, किसी को भी चाहेंगे वो सर्च कर सकते हैं, 5 से ज्यादा लोग अगर हो गए तो उनको पकड़ सकते हैं, किसी भी पर शक हुआ तो उस पर हमला कर सकते हैं, और किसी भी घर पर शक हुआ तो उसको हम लोग जांच कर सकते हैं। ये कानून इस पर स्पेशल आपको परमिशन देता है। तो लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, इसी के सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है अफस्पा का, इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जो कई ह्यूमन राइट्स जो आपके ये है ना, अधिकार है ना, उसको वायलेट करता है, जैसे कि राइट टू लाइफ। अगर मान लीजिए कि किसी के पास ये कानून है, मान लीजिए कि हमारे कश्मीर में या फिर अभी भी 2-3 जगह पे जो लगा हुआ है अफस्पा भारत में, नागालैंड के लिए लगा हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि नागा वहां पर एक बहुत बड़ा समूह उठ रहा था, भारत से तोड़ने की बात कर रहा था, भारत के संविधान को नहीं मानता, तो उसके लिए भी लगाया गया था। उसके बाद से जब ये कश्मीर का मैटर सामने आया तो कश्मीर में इस कानून को लगाया गया। अब यहां पर यह है कि मान लीजिए कि इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं, कि अगर मान लीजिए कि कश्मीर में कोई मामला गड़बड़ हो रहा है और ये कानून है, तो वहां पर जो इनोसेंट आदमी है उनकी भी जान जाती है, जो मान लीजिए मिलिटेंट्स हैं उसको तो मारना ही मारना है, जो वहां पर इनोसेंट आदमी है उनकी भी जान चली जाती है, तो उनका वो अधिकार जो राइट टू लाइफ का है,
यानी कि जीने का अधिकार का है वो वायलेट होता है। इस तरह के कई ऐसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो उसको वायलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस कानून को लेकर बहुत सारे जगह पर हमेशा से विवाद रहा है, और ये अंग्रेजों के बनाए हुए थे, आपको पता होना चाहिए। ये अभी तक देखिएगा, मैं न्यूज पर बात कर रहा था कि न्यूज वाले क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कांग्रेस की कोई दिक्कत है इससे। कांग्रेस ही थी जो बहुत सारे टाडा वगैरह न जाने कितने कानून लेकर आई थी, और मुस्लिम लड़कों को जेल में भरा गया था और बहुत सारे कांड हुए थे। लेकिन अब ये हटाने की बात कर रही है, तो बीजेपी इसका विरोध कर रही है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी के ही रिजिम में 2017 में 2015 में त्रिपुरा वगैरह से मेघालय से हटाया गया इस कानून को, ठीक है। तो अब ये कानून बना था 1900, आपको पता होगा क्यूट इंडिया मूवमेंट वाला मामला, भारत छोड़ो आंदोलन का जब शुरुआत किया था गांधी जी ने, तो गांधी जी ने जब इसकी शुरुआत करी थी, तो इस कानून के तहत अंग्रेजों ने बहुत सारे जगहों पर ये लोगों को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया था। उस समय सबसे पहले अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था भारत में, लेकिन उसके बाद से जैसे भारत आजाद होता है, आजादी के बाद से जैसे ही मतलब बंटवारा होता है और दो तीन स्टेट में भारत के इंटरनली बहुत सारे डिस्टरबेंस शुरू हो जाते हैं, तब वहां पे आनन फानन में 11 सितंबर 1958 में इस कानून को पारित किया गया, और जहां जहां जरूरत थी वहां वहां लगाया गया, ठीक है। तो कश्मीर से आपने देखा होगा कि वहां पर कई मामलात सामने आते हैं, इल्जाम लगते हैं हमारे सैनिकों के ऊपर, कई ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, और आपने भी देखा होगा कि बीच में बहुत सारे एक्शन भी लिए गए थे बहुत सारे आर्मी के खिलाफ, जिन्होंने गदा वो जो जीप के आगे आदमी को बैठा के चलाया था, तो ह्यूमन राइट्स वाले ने हंगामा किया और उसको सजा मिली, ठीक। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो ऑफिशियली सामने आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे अनऑफिशियली सामने आते हैं, बहुत सारे नहीं आ पाते। तो अब इसका अगर इस कानून को हटा दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा कदम होगा, वहां के लोगों में एक यकीन पैदा होगा कि चलो देखो मकसद क्या है इस कानून को बनाने का, कि किसी हिस्से को हमको अपने देश के साथ, अपने देश के तौर तरीकों के साथ मिला के रखना है। वहां पे कुछ लोग होते हैं जो बदमाशी करते हैं, कश्मीरी से आप भी मिले हैं, कश्मीरियों से हम सब जानते हैं कि वो सब लोग भारत के हिस्सा हैं और मानते हैं और रहेंगे भी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब इस कानून के तहत उन लोगों ने बहुत सारे ऐसी चीजों को देख लिया है, जैसे कि वो पायलट गन वाला मैटर हुआ था, कितना भयंकर तरीके से इस देश में हंगामा मचा हुआ था जब हम लोगों ने देखा था। तो ये सारी चीजें को अगर खत्म करनी है तो हमें उनके लोगों को, बच्चों के माता पिता का जो, और जो देखा था आपने बीच में ये जो अपना 14 फरवरी का पुलवामा वाला मैटर हुआ था, तो कैसे कुछ निहत्ते कश्मीरी बूढ़े औरतों पर, बच्चों पर, कुछ गुंडे जो थे सड़क छाप आतंकवादी कह सकते हैं आप उसको, वो लोगों को पीट रहे थे। लखनऊ का मामला आपने देखा था, ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले को किस प्रकार से हरास किया गया था। तो जब तक हम लोग यकीन नहीं जीतेंगे किसी का, जब तक हम लोग यकीन नहीं जीतेंगे किसी एक एक कॉर्नर के लोगों का कि नहीं आप हमारे हैं, हमको साथ रहना है, तब तक किसी भी समस्या का समाधान आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर कश्मीर की आबादी तो फिर भी लाखों में है, अगर कुछ 100 लोग भी अगर बदमाशी पे उतर आते हैं ना, तो वहां के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने में बहुत आसानी हो जाती है और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बेस्ट और लॉन्ग टर्म का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो ये है कि हमें उनके विश्वास को जीतना होगा। अब अगर ये अफस्पा कानून हट जाता है तो फिर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में एक कानून रहता है, DAA, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो कहते हैं, वो आप जो है यूज कर सकते हैं कि अगर वहां पे कश्मीर में कुछ मैटर होता है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, और उसके बावजूद भी अगर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं मान में आता है, नहीं संभाल में आता, तो फिर से अपने पास कानून है, वो लगाया जा सकता है। अब चूंकि ये कानून को लेके बहुत सारे विवाद हैं, इंटरनेशनली भी बहुत सारे ऐसे मुहैदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स हैं उसको वायलेट ये करता है, जिस तरह के रिपोर्ट्स में बताते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। पहली बात ये कि रोजगार, जो 22 लाख पोस्ट खाली हैं सरकारी संस्थाओं में, उसको भरेगी 2020 तक। दूसरा चीज ये कि कांग्रेस ने ये कहा कि जो किसान जो है परेशान है, उनका लोन का मामला है, और लोन की वजह से बेचारे कोई कोई जिनके ऊपर ऋण आ जाता है, जिनके ऊपर कर्ज आ जाता है, वो बेचारे आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं, तो उन किसानों के लिए जेल में जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि कोई भी लोन की वजह से किसान जो है वो जेल में नहीं जाएगा। तीसरी चीज ये कि कश्मीर का जो मैटर है कि कश्मीर में जो अफस्पा कानून है उसको हटाया जाएगा। तो ये 3 जो अहम मुद्दे हैं जो भारत में इस वक्त बड़ा ही हमेशा हॉट
पॉइंट रहा है, टॉपिक रहा है बात करने के लिए, तो वो एक बड़ा ही तरीके से इसको कांग्रेस ने ला के सामने रखा। अब देखिए बीजेपी के अरुण जेटली कह रहे हैं कि ये मैनिफेस्टो जो है बड़ा ही डेंजरस है और अनइम्प्लीमेंटेबल है, मतलब कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, अनइम्प्लीमेंटेबल है और बड़ा ही डेंजरस है। डेंजरस क्या है कि क्या किसानों को ऋण माफ कर देना, जो वादा खुद बीजेपी ने किया था, वो डेंजरस है? क्या किसानों के भलाई के लिए सोचना जो उनके ऋण को माफ कर दे, जो उनके कर्ज को माफ कर दे, किसानों को जेल ना जाना पड़े, जो बेचारे खेतों में काम भी करते हैं और अगर अनाज नहीं हुआ तो उनको बैंक की वजह से जेल में जाना पड़े, क्या ये जायज है? तो अगर कश्मीर के मैटर को भी अगर आप देखें तो ये डेंजरस कैसे है? जिस तरह का एक्शन बीजेपी सरकार ने लिया था, पैलेट गन वगैरह का जो इस्तेमाल किया था, उससे डेंजरस क्या हो सकता है कोई चीज? अपने ही भारतवासी पर हम लोग अगर हथियार चला रहे हैं तो। अब आप एक बात सोचिए कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ दो चार लोग मिलकर इस देश का लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसमें आपका भी नाम, आप सबको नाम याद होगा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या और भी ना जाने कौन कौन, ठीक है? ये सब लोग जिस प्रकार से पैसे को लेके भागे हैं, उनको पकड़ के जेल में नहीं डाला जा रहा, वो डेंजरस नहीं है, वो अनइम्प्लीमेंटेबल नहीं है, वो एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई मैनिफेस्टो में ये कहता है, कांग्रेस ये कहती है कि हम जो चीज फैक्टफुली मतलब जांचा हुआ है कि 22 लाख जो रोजगार है हम उसको देंगे, तो वो आपको लग रहा है कि नहीं, ये अनइम्प्लीमेंटेबल है और ये डेंजरस है। किसानों की बात अगर हम करें तो किसान के जो लोन की वजह से जेल जाने की बात होती है, तो बीजेपी कहती है कि नहीं, ये अनइम्प्लीमेंटेबल है और ये डेंजरस है। कश्मीर से हटाने की बात हो रही है फसपा, तो कह रही है नहीं, अनइम्प्लीमेंटेबल और डेंजरस है। ये अरुण जेटली की भाषा है, न्यूज में आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आता है, आपको सीखने की जरूरत है, ना कि उसके बारे में उल्टा सीधा बकवास करने की जरूरत है। ये बीजेपी जो वादे करके आई थी, अब आप देखो बिहार में आए थे मोदी जी, मोदी जी क्या कहते हैं कि हम 70 साल में जो काम नहीं हुआ हम 5 साल में कैसे कर सकते हैं? मोदी जी को याद अगर नहीं है तो उनको सोचना चाहिए कि वो सुरंग कश्मीर वाला जो रेलवे का ट्रैक बना, उसका फीता आपने काटा, वो भी उसी 70 साल के हिस्सों में था। जो उपग्रह बनाए गए वो भी उसी 70 साल के इसमें था। जो हमारे साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं इसरो के और ना जाने दूसरे दूसरे संस्था के, वो भी इसी 70 साल के बनाए हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोडक्ट्स हैं। कई ब्रिजेज हैं, कई कॉलेजेस हैं, कई आईआईटी के सेंटर हैं, कई ऐसे संस्था हैं जो हमारे देश के पुराने जितने भी लीडर थे उन लोगों ने बनवाए थे। अगर वो नहीं बना होता तो शायद आज हम जहाँ खड़े हैं, आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें नहीं होती। हम लोग इलाज करते गौमूत्र से और हम लोग बैलगाड़ी से सफर कर रहे होते, जिस प्रकार से बैलगाड़ी लेकर राजीव गांधी जी के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंच गए थे पार्लियामेंट में कि कंप्यूटर नहीं आएगा इस देश में, हम बैलगाड़ी से ही चलेंगे। और आज सारा का सारा खेल बीजेपी जो है कंप्यूटर पे ही कर रही है, व्हाट्सएप पे ही कर रही है, फेसबुक पे उल्टे सीधे चीजें डालकर ही कर रही है ना? तो ये सारी चीजें हैं, समझने की जरूरत है और लोगों को कंपैरिजन करने की जरूरत है। तरीके से ये अपने फैक्ट्स पे बात कीजिए कि क्या आपके बच्चे का भविष्य वाकई में सिक्योर है, क्या समाज के अंदर में वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला जो एक लगाव था वो अभी है उस तरह का? और जिस तरीके से अभी भी मोदी जी जिस प्रकार से ये मोदी भाषण दे रहा है, आप देखो कितना खतरनाक है, एक भारत का प्रधानमंत्री, कितना शर्मनाक बात है कि ये कहता है कि बताओ जो पॉइंट वाली बात ही नहीं है, इसको करना चाहिए था कि पिछले 5 साल में कितने रोजगार दिए, इसको करना चाहिए था कि आपने क्या क्या महिलाओं के लिए किया, आपने क्या गरीबों के लिए किया, आपने तो सिर्फ अपने पैसे वाले दोस्तों के लिए काम किया, उनके साथ भाग के गए, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कैनेडा, कभी न्यूजीलैंड, कभी कहाँ, वो तो सब अपने बिजनेसमैन लोगों के लिए आप बीच वाले का काम किए, लेकिन उसके बारे में बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है कि भैया हिंदू कभी आतंकवादी नहीं रहे हैं, तो किसने कहा है रहते हैं? कोई नहीं रहता है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता। इस पॉइंट को जानबूझ के लाने का क्या मतलब है?
ये इतना बड़ा, मतलब इतना बेशर्मों वाली बात है। मुझे लगता है कि ऐसे नेता का वाकई में देश में रहना देश के लिए सिर्फ और सिर्फ खतरा है। इन लोगों को मंगल ग्रह पे भेज देना चाहिए, ये लोग अपना जाके एक दुनिया अलग बनाए जहां पर अपने हिसाब से रहे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जितने कट्टरपंथी भी है ना, ये जितने जाहिल गंवार लोग भी है ना, जो इस तरह के नेताओं को फॉलो करते हैं, जिनको अपना आइडियल मानते हैं, जिस तरह की तड़ीपारी अपराधियों को अपना आइडियल मानते हैं और अपना नेता चुन लेते हैं, और दूसरे दूसरे मैटर पे बड़ा ही अपने आप को स्वच्छता वाला इंसान बनाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, जो तड़ीपारियों को, जो दंगाइयों को अपना आइडियल मानते हैं, वो आपको आके देश में और देश कैसे चलना चाहिए, वो आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमें देशभक्ति कैसी रखनी चाहिए, उस पर आके भाषण देते हैं लोग, है ना। तो ये ऐसे लोग जो है ना, जब कहीं अगर मंगल ग्रह पे भी आप भेज दिए ना, तो इनको चैन नहीं मिलेगा, ये आपस में ही जाके लड़ मरेंगे। इनके फितूर है, इनके खून में ही फितूर है कि ये लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, हिंदू मुसलमान कराना, लड़ाई झगड़ा कराना, यही इनका काम है। योगी आदित्यनाथ देखो कितना बेशर्म इंसान की तरह जो है प्रचार प्रसार कर रहा है, कि अपने भाषण के दौरान उस इंसान को जिसने एक इंसान को मॉब लिंच करके मार दिया था, भीड़ ले जाकर एक 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 मासूम से इंसान को, मुसलमान को उसने मारवा दिया था, उसको अपने रैली में बैठा के सामने वो भाषण दे रहा है और अपने प्रचार प्रसार कर रहा है अपने इलेक्शन का लेकर। इस तरह के बेशर्म नेता, वो वही नेता है योगी आदित्यनाथ जो अपने मंच पे बैठकर कोई ये कहता है कि कब्र से निकाल के किसी मुसलमान महिला का बलात्कार कर दो, ये वहां पे मंच शेयर करता है लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है। ये इंसान कैसे भला हो सकता है? आज आपको ये लग रहा होगा कि ये वैचारिक तौर से किसी खास धर्म के खिलाफ है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई हिंदू भाई भी अगर ईमानदार है और वो इस तरह के घटिया नीति के खिलाफ बोल दे, तो वो देख लेना उसके उसको कितनी दिक्कत हो जाती है, उसको कितनी परेशानी हो जाती है। ये इस तरह के नेता हैं जो किसी का भला नहीं सोचते, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। ये नेता किसी का भला हो ही नहीं सकता, इनसे ये केवल और केवल नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरे को और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह के नेताओं से आप लोग दूर रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो समस्या हमारे देश के सामने है उसका समाधान कैसे निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने देर जुड़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी एक राय बनाइए, किसी के सुनकर टीवी देखना बंद कर दिए प्लीज। जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग जुड़े हुए हैं इस अपने परिवार से, एमकेडी परिवार से, सुनते हैं बातों को, तो आप लोगों से गुजारिश है कि न्यूज़ चैनल वगैरह देखना बंद कर दीजिए। ये वो लोग हैं जो फसादी लोग हैं, जो पैसा लेकर आपका एक एक माहौल क्रिएट करते हैं, पैसा लेकर एक इस तरह का एक भावना, दुर्भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो। मोदी जी से ये बोलना चाहिए कि आप लोग जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, उस पर बात कीजिए। कितनों को रोजगार दिया है उस पर बात कीजिए। कितने किसान आत्महत्या नहीं किया, आपको पता है किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ी है, परसेंटेज बढ़ा है ना। वायलेशन अगेंस्ट वुमेन वो भी बढ़ा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है। किसानों की तो हालत जो पहले थी उससे कहीं ज्यादा बुरी हो गई है। तो ये सारे मुद्दे हैं, आपको उस पर गौर करना पड़ेगा, उसके बाद से इन पॉइंट पे सोचना पड़ेगा। और जिसके बारे में आप सुनिए, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप से मत उसके बारे में पढ़िए, खुद से रिसर्च कीजिए कि क्या है। जैसे कि वो 72,000 वाले रुपए के बारे में मैंने बताया कि वो सबको नहीं, एक परिवार को मिलेगा। उस परिवार की अगर इनकम 72,000 से कम है तो उसको 72,000 तक पहुंचाने के लिए उतने अमाउंट मिलेंगे। यानी अगर 50,000 मेरे परिवार का अगर इनकम है तो सिर्फ मुझे 22,000 मिलेंगे, अगर जीरो है तो मुझे 72,000 मिलेंगे। दूसरी बात यह कि किसान कभी भी कोई जेल में नहीं जाएगा अगर उसके लोन है। तीसरा ये कि कश्मीर से अफस्पा कानून को हटाया जाएगा, जिसके तहत हमारे आर्म फोर्सेस को, यानी आर्मी को, जो कानूनी तौर पे उनको हक मिलता है कि वो किसी के ऊपर गोली चला सकते हैं, किसी को जाके वो सर्च कर सकते हैं, किसी भी घर पे हमला कर सकते हैं, किसी भी के ऊपर गोली चला सकते हैं शक के ऊपर, ठीक है। तो ये कानून हटाने की बात हो रही है, तभी जाके देखिए भारत में अलग अलग हिस्सों में भी अफस्पा कानून था, उसको हटाया गया, तब जाके उस जगह एरिया में डेवलपमेंट आया। नॉर्थ ईस्ट में अभी भी हालांकि डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ 13% ही है जो नेशनल रोड्स हैं, और हाईवे सिर्फ 6% है। बड़ी शर्म की बात है ये। तो इस तरह के इलाके में तरक्की की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए। ये कितना करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर दे रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर से उतर के आ रही हेमा मालिनी और खेत में जाकर ड्रामा कर रही है गेहूं काटने का,
ये पैसा जो हेलीकॉप्टर में लोग खर्चा करते हैं, करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपए खर्चा करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, मेघालय में, त्रिपुरा में, नागालैंड जैसे इलाके में वो उसकी तरक्की कराते हैं, ताकि वो लोग आपस में लड़े नहीं, हम लोगों से बिछड़ने की कोशिश ना करें। कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए लोगों के भरोसा को जीतने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और इस तरह के फसादी चीज़ों से दूर रहिए। मोदी जी से सिर्फ एक सवाल होना चाहिए कि आपने 5 साल में किया क्या, उसका ब्यौरा दीजिए, और केवल हिंदू मुसलमान में जो आपने खाई पैदा किया है, जो आपने एक एक सांप्रदायिकता वाला माहौल क्रिएट किया है, उसका क्या समाधान है, उसका लॉन्ग टर्म पे देश में कितना बुरा असर पड़ेगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और इसके पीछे जो है, जो संगठन है, वो सबको पता है, ये संघी संगठन जो है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से है, जो ये चाहती है कि इस तरह का माहौल बने, इस तरह का कानून हो, इस तरह का एक एक तौर तरीका अपना के चला जाए जो कल को चलकर फिर से वही माहौल बने कि लोग आपस में लड़े भिड़े और अलग होने की बात करें। ये इस तरह, लेकिन हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे, लगे रहेंगे हम सब लोग, चाहे कुछ भी हो, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश की आपसी एकता को बना के रखना है। और इसके लिए एक ही उपाय है कि राजनैतिक तरीके से आप लोग खूब स्ट्रांग बनिए, जानकार बनिए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी नेता के पीछे भागने का, अपनी समझ को बढ़ाइए और देश के लिए जो बेहतर है, जो हमारी अखंडता को बढ़ाए, जो एकता को बढ़ाए, उसको वोट देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय हिंद।